AESJE पर हुआ प्रशिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण। बेतिया बिहार से नसीम रब्बानी के साथ सनोवर खान की रिपोर्ट। बेतिया जिले के बेतिया माध्यमिक शिक्षक भवन परिसर में AESJE पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने की। मौके पर उन्होंने बताया कि सामान्यतः गर्मियों के मौसम में AESJE के लक्षण बच्चों में देखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि चमकी से प्रभावित बच्चों के तुरंत इलाज व पहचान हेतु आज प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी BCM, BHM, CHO, VBDS का प्रशिक्षण कराया गया है, ताकि प्रशिक्षित होकर वे लोग अपने अनुमंडल PHC में ANM, GNM आशा व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, ताकि जिले में चमकी बुखार से प्रभावित बच्चों का सही समय पर उपचार हो सके। क्या सुविधाएं हैं अपने यहाँ इलाज करने की? AS का पहचान फीवर है और ये कन्वल्सन होगा चमकी, और JES का जो है ये बेहोश बच्चा रहता है और ये पेशेंट रहता है। इलाज करने के लिए क्या सुविधाएं हैं सर जिला में? इलाज करने के लिए हर एक PAC में बेड का व्यवस्था है, 2 बेड, और अनुमंडल में 10 बेड है जी। और GMCH में 30 बेड का ये रखा गया है। कब से कब तक AS का सर ये अटैक आता है? 1 अप्रैल से ट्रीटमेंट और ये रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। नहीं सर, AS का मामला कब से कब तक आता है? मार्च से स्टार्ट होता है जी, जुलाई अगस्त तक ये चलता है। अपना परिचय दीजिए सर। डॉक्टर हरेंद्र कुमार, VBDCO, वेस्ट चंपारण। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में सर बताइए। आज कंबाइंड कार्यक्रम हुआ जी सर, NCD पोर्टल एंट्री के बारे में, स्टैंडर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। जी सर, पूरे जिला से हम गांव-गांव से स्क्रीन करते हैं लोगों को, 30 साल के ऊपर डायबिटीज हाइपरटेंशन लिख करके उनको नापते हैं। नाप करके मेरे सारी संस्थाएं SWC फिर उसको इलाज के लिए आगे भेजती हैं, PSC, CSC, SDS, मेडिकल कॉलेज, उनको रिकॉर्ड में लेना है ताकि हमारी जनता पूरी की पूरी महफूज हो जाए। 7.5 मिलियन इंडिया के लोगों को इसमें लेना है। साथ ही इसके JEE और AS पर एक वर्कशॉप हुआ, दोनों प्रतिभागी एक ही थे। सबसे बड़ी समस्या है अभी आने वाले दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन होगा, और बच्चों में एक खास तरह के उत्तर बिहार वाले क्षेत्र में चमकी बुखार जी, ये बच्चों में आता है। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जब चमकी आता है, मुंह से झाग निकलता है, बेहोश होकर गिर जाता है, अगर उस बच्चे का पोजिशनिंग साफ सुथरा नहीं करें तो अपने ही झाग से सांस की नली बंद होगी, वो मर जाएगा। तो प्रॉपर पोजिशनिंग, और ये चमकी आए मत, हाई टेम्परेचर राइज मत हो, बच्चा खाली पेट न है, डिहाइड्रेशन में मत रहे, रिहाइड्रेटेड रहे। पहले हर जगह ORS, बेसिक एंटीबायोटिक दवाएं, और चमकी को रोकने के लिए जो दवाएं हैं, मेडाजोलाम है, उसका स्प्रे है, उसकी प्रचुर मात्रा में 3 महीना पहले ही से इसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। खास करके लीची का दौर आएगा, बच्चे खाएंगे, खाली पेट में लीची खाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उससे चमकी होती है, शुगर का लेवल इतना गिर जाएगा, बच्चा कन्वल्स में जाएगा, मर जाएगा। तो उसकी पूरी आशा लोगों से गांव का ट्रेनिंग, बच्चा कोई भूखा ना सोए, खा के सोए, अगर हम ये कोशिश करेंगे तो ये रोक सकते हैं, इसको काफ़ी इस पर काबू पा सकते हैं। जन जागरण भी समानांतर चलना चाहिए। आपका परिचय सर, परिचय आपका? मैं डॉक्टर मुर्तजा अंसारी, NCDO वेस्ट चंपारण।